धान की खरीद को लेकर जारी किसानों और सरकार के बीच की तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अंबाला में आज भी किसानों को अपने धान को मंडी तक पहुंचाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों ने अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल द्वारा विधानसभा के बाहर किसानों की परेशानियों को लेकर दिए जा रहे धरने को किसानों के साथ भद्दा मजाक बताया। अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में एक बार फिर मार्केट कमेटी बोर्ड की सेक्रेटरी आशा रानी और किसानों के बीच खासी तूतूमैमे देखने को मिली। किसानों ने आरोप लगाया कि मार्केट कमेटी बोर्ड की सेक्रेटरी आशा रानी द्वारा जानबूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह से बिना मैसेज के किसानों की धान भी मंडियों में बखूबी प्रवेश कर रही थी, लेकिन जैसे ही आशा रानी आई उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि बिना मैसेज के आए किसानों की धान को मंडियों में प्रवेश नहीं दिया जाए। बाद में जब किसानों ने इस बात पर आपत्ति जताई तब मैडम ने दोबारा बिना मैसेज के आए किसानों को गेट पास उपलब्ध करवाए। जी आज क्या समस्याएं आई थी आपको गेट पास को लेकर? आज सवेरे से तो ठीक चल रहा था और 11:30 बजे मैडम आई है मार्केट कमेटी की अपना, तो वो आन के अपना सेक्रेटरी उन्होंने कह दिया आने का मैं भी मैसेज जिसका आया हुआ उसके गेट पास पर, जिसके पास मैसेज नहीं आया उसके गेट पास बंद कर दिया। जबकि कल बात हुई थी बेनीवाल आए थे, उन्होंने भी कहा था भी इसकी समस्या दूर करेंगे और समस्या दूर हो भी गई थी। सवेरे से 11 बजे तक ठीक ठाक चल रहा था काम और हमें लग गया था भी मैसेज के बिना ही काम चल रहा है। मैसेज जब सवेरे से कंप्यूटर का चल रहा था तो ऐसा क्या सेक्रेटरी साहब को तकलीफ हो गई थी या दर्द हो गया था भी ये बंद कर दो मैसेज वाला? जी हल्के के जो हैं वो विधायक जो हैं वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं, किसानों की समस्या को लेकर क्या कहेंगे इसमें? वो तो मतलब कि मैं उनको कहना चाहता हूँ भी जब इतने दिन से जो पीके दास के खिलाफ बोलना था या किसानों के हक में बोलना था जब कहाँ सूर्य था, जब अनिल विज भी बकवास करता था कि लाठीचार्ज नहीं होती, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये कहाँ किसानों का है सारा प्रोग्राम? हम कह रहे हैं किसानों का है, किसानों का हम किसान अब ऐसे नहीं रहे जो पहले किसान थे, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हो गए, युवा पूरे पढ़े लिखे हो गए, युवा तो रोजगार तो कोई है नहीं, अब युवा को एक ही अपना रोजगार दिख रहा है, पूरी छीनने का काम कर रहे हैं, अध्यादेश जान कर रहे, इसीलिए आज ये ढोंग कर रहा है क्योंकि इसका कल 2-3 प्रोग्राम थे हल्के में आने के विधायक जी के, और वहाँ इसका विरोध करने के लिए हमारे जो युवा बच्चे हैं या युवा गांव के किसान साथी हैं उन्होंने पहले ही हमारा मन बना रखा था कि विधायक को किसी गांव में एंट्री करने नहीं देनी है कहीं भी, इसीलिए इसने अपनी जान बचाने के लिए अब ये ढोंग कर रहा। जी आपका नाम? बुजेंद्र कंबोज। जी आज जो है विधायक जो है धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे उस बारे? वैसे कहने के लिए तो बचाई क्या है, अब तो सब कुछ लुटा के सोच रहा है मैं किसी तरह पॉपुलर हो जाऊं पब्लिक के अंदर। नौटंकी है बिल्कुल कोरी नौटंकी। चलो फिर भी धन्यवाद देंगे अगर कुछ वहां से हासिल कर गए, कुछ नहीं होगा। बड़े शर्म की बात है, हमें तो ये नहीं समझ आती ये MLA है पीके दास एक कर्मचारी है चाहे अच्छी पोस्ट पर है, अरे तू उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, तू उसको ऑर्डर दे अपनी सरकार में मजबूती दिखा, अपनी पार्ले अपने विधानसभा में मजबूती दिखा, तू अपने हेड से कहो मुख्यमंत्री से भी ऐसे अफसर किस लिए रख रखे हैं जिनको हमें समझाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े? कहाँ देखे हैं कि एक मालिक नौकर के आगे प्रोटेस्ट करेगा तू मेरे खाते में ऐसे काम, मेरे खेत में ऐसे काम या कर, मेरे घर में ऐसे काम कर, कहीं देखे है? उल्टी गंगा पहाड़ को जा रही है, सारे काम ही उल्टे हैं, अध्यादेश उल्टे हैं हमारे लिए किसानों के लिए। नौटंकी करनी है ऊपर से करते आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं इतनी बड़ी नौटंकी करने में, सभी अपने उनको जो नीचे हैं सबको सिखा दिया भी नौटंकी कैसे करनी है, उसके बाद पब्लिक को धोखा कैसे देना है, इनको बेवकूफ कैसे बनाना है। जी आपका नाम? सुखदेव सिंह जलबेड़ा। जी विधायक जो है वो किसानों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? वो तो एक नौटंकी है, उनको 3 महीने से जब से संघर्ष चल रहा है सब कुछ मालूम है, तो उस टाइम तो वो कुछ भी नहीं बोले, अब ये जाके एक नौटंकी कर रहे हैं और कुछ नहीं। जी